Good morning, students. Once again, welcome to the Discover Tuition classes. I'm Samir. In our last lecture, we had discussed about partnership deal. In today's lecture, we are going to discuss about the provisions of Indian Partnership Act 1932 if the absence of पार्टनरशिप डील दैन वॉट टू डू कि जब पार्टनरशिप डील नहीं बनाई जाती पार्टनर्स के द्वारा ओरल होती है तो उस सिचुएशन के अंदर या फिर या ओरल या रिटर्न कुछ भी नहीं होती तो उस टाइम के ऊपर पार्टनर्स क्या करेंगे, किस तरीके से उन लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जब पार्टनरशिप डील उनके बीच में नहीं होती. सो प्रोविजंस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील एक्ट 1932. सो द फर्स्ट प्रोविजन कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल, पार्टनर कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि कौन कितना कैपिटल लाएगा फर्म के अंदर, या फिर कोई पार्टनर के पास कैपिटल नहीं होगा या फिर स्किल ही होगा तो कौन अपना स्किल लाएगा, कौन मैनेज करेगा और कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसके अंदर, तभी ये दिया जाता है कि म्यूचुअल कंसेंट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा. और मैंडेटरी नहीं होता कि हर एक पार्टनर है वो कैपिटल इन्फ्यूज करे फॉर्म के अंदर. सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड. कोई भी पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल लाता है बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा. थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन. सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होता कि किस तरीके से या किस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग होगा. इट हैज़ टू बी इन टर्म्स ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन नॉट बी चार्ज्ड. जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता उस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं होता. तो ये एक ध्यान रखने का बात है कि अगर पार्टनरशिप डील हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड. अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये नहीं दिया गया, नहीं लिखा गया, या सॉरी पार्टनरशिप डीड ही तैयार नहीं किया गया तो कौन से पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन कितना मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डील ही तैयार नहीं किया गया. तो कोई भी राइट नहीं कह सकता कि कोई भी नहीं बोल सकता कि उनको कितना सैलरी बोनस या कमीशन मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेबल फॉर लोन. एक बात ध्यान के अंदर रखना चाहिए कि 6% के हिसाब से जो कोई भी पार्टनर लोन देता जो कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट
पेबल है। अगर पार्टनरशिप डील तैयार की गई होती और उसके अंदर मेंशन किया गया होता तो उस तरीके से लोन को लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन पार्टनरशिप डील ही नहीं है तो म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा जो कोई भी पार्टनर लोन देता है तो। एंड द लास्ट वन इज रिएम्बर्सिंग फॉर एक्सपेंसेस डन बाय पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस के लिए, बिजनेस के फायदे के लिए अपने तरीके से खर्चा करता है तो वो खर्चा बिजनेस के बिजनेस उसको वापस करेगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। और कोई रॉ मटेरियल का ज़रूर है या फिर कोई मशीनरी के अंदर कोई पार्ट्स का ज़रूर है, वो सब खर्चे पार्टनर अपनी जेब में से करता है तो बिजनेस वो सारे के सारे खर्चे जो अपने जेब के अंदर से किए हैं वो वापस करेगा। तो उसको राइट है कि जितने भी एक्सपेंस वो कर रहा है वो वापस ले सके। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर कि पार्टनर्स कितनी कैपिटल लाता है, कितना एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज करता है, कितना कैपिटल विड्रॉ करता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो हमको कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर से मिल सकती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। उससे पहले हम एक बात कर लें टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स पढ़ने से पहले, जब कभी भी कोई भी पार्टनर इन्फ्यूज करता है बिजनेस के अंदर कैपिटल तो उसकी एंट्रीज क्रेडिट साइड की जाती है, और जब कभी भी पार्टनर विड्रॉ करता है अमाउंट को, कैपिटल को विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्रीज डेबिट से की जाती है। तो ये एक ध्यान रखना कि जब कभी भी पार्टनर इन्फ्यूज़ करेगा नई कैपिटल लाएगा तो उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट साइड, अगर विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड की जाती है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। वन फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड द सेकेंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ट्रांजेक्शन विच रिड्यूसेस कैपिटल आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन विच एड कैपिटल आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। एक बात याद रखना कि जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड आती है, और जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड आती है। नाउ लेट अस स्टडी द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, तो पहले उसके मतलब के बारे में समझते हैं। अ मेथड इन विच ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ एनी पार्टनर इज रिपोर्टेड फ्लक्चुएटेड is known as a fluctuating or temporary capital account method। एक बात याद रखना कि जब कभी भी opening capital of the partner and the at the end of the year closing capital or at the end of the capital would be different then it is known as a fluctuating capital account method। उसके अंदर flexibility देखने को मिलता है। opening जो balance होती है वो, और last में जब at the end of the year जब हम capital account close करते हैं उस time का जो capital का status होता है
उन दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से इस अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बोला जाता है। और सारे के सारे के ट्रांजैक्शन है वो एक ही में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके लिए अलग अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज एंट्रीज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड कौन कौन सी एंट्रीज आती है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल, देन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, सैलरी बोनस कमीशन ये सब अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया गया है तो वो सब मिलेगा। रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर, शेयर ऑफ पार्टनर्स इन डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये सारी की सारी एंट्रीज है वो क्रेडिट साइड आती है। दूसरी एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट इज ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ पार्टनर्स इन डिविजिबल लॉस, तो ये सारी की सारी एंट्रीज डेबिट साइड आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर। और नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर देर इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, सो द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ एनी पार्टनर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल है वो हर साल चेंज होती रहती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड। हमने अभी जस्ट बात किया कि किस तरीके से ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ओपनिंग बैलेंस, लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस देन बाय कैश और बैंक इन केस इफ पार्टनर इंट्रोड्यूसेस द कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज प्रॉफिट, एंड ऑन द डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन देन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड द डिविजिबल लॉस एंड द लास्ट वन इज बैलेंस कैरिड डाउन। स्टूडेंट्स यू शुड रिमेंबर वन थिंग, इफ देर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट इट वुड बी अपियर एट द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड द डेबिट बैलेंस वुड बी अपियर एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो एक बात याद रखना, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के अंदर अंडर द कैपिटल रहेगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड बैलेंस शीट के अंदर आएगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।